हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं ऐसे लोकेशन पर खड़ा हूं जहां से आपको इस पावर प्लांट की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पावर प्लांट में कौन सी चीज़ें कहां होती हैं। सो वीडियो में बने रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। ये कन्वेयर लाइन किस तरह से बॉयलर में कनेक्ट हो रही है सीएचपी से निकलकर। ये सामने की तरफ में जो आप देख रहे हो वाइट शीट वाले, ये सारे ईएसपी हैं, 8 नंबर की ईएसपी, और ये पास ए है जो आप सामने देख रहे हो। इसके बाजू में बी, फिर सी, उसके बाद डी। ये कंट्रोल रूम हो गया, कंट्रोल रूम की बिल्डिंग ईएसपी की, जहाँ से ईएसपी को कंट्रोल किया जाता है। ये सामने की तरफ में चिमनी 660 मेगावाट की, वो सारे गेट हैं, ये आउटलेट गेट हैं ईएसपी के। सेम इसी तरह के इनलेट गेट होंगे इस तरफ में। जब शटडाउन होता है, पास को बाईपास किया जाता है, तब गेट को क्लोज़ किया जाता है। अदरवाइज़ यूनिट रनिंग में होती है तो सारे गेट ओपन होते हैं। ये सारी लाइन आपने देख ली कन्वेयर की जो सीएचपी से निकलती है। सीएचपी इस तरफ में है इस पावर प्लांट का, उधर में बहुत सारा कोयला भी स्टॉक होगा। जब कभी उधर जाऊँगा तब उस तरफ की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। और ये सारे स्क्रैप पड़े हुए हैं इस पावर प्लांट के, जो बेकार मटेरियल है, जो डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इस तरह के स्क्रैप आपको इस पावर प्लांट में हर तरफ दिखाई देंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के ये सारे मटेरियल हैं, कुछ बॉयलर के होंगे, कुछ ईएसपी के होंगे, कुछ सीएचपी के होंगे, कुछ एएचपी के होंगे। इस तरह से ये सारे यहाँ पर मुझे बीम दिखाई दे रही हैं, चैनल दिखाई दे रहे हैं, एंगल दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट मटेरियल है ये सारा, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो। इसमें से बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी किया जाएगा, जहाँ पे जो पॉसिबल है वो लगा दिया जाएगा। इधर में देखो ये सारा स्क्रैप है। अब मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ और उस तरफ में लगे हुए आईडी फैन को पास से दिखाता हूँ। एंड गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो कुछ भी मैंने आप लोगों से शेयर किया ये पार्टिकुलर इस पावर प्लांट के लिए है। ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए वो सब कुछ इस पावर प्लांट का है, मतलब कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के कैंपस का। इसके अलावा एक और पावर प्लांट है यहाँ पर जिसे सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, और उस पावर प्लांट में टोटल 6 यूनिट हैं 250 मेगावाट की, और यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है नए प्लांट से पुराने प्लांट का, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और वहाँ पर सब कुछ अलग है, ये पूरा सेपरेट है और वो भी पूरा सेपरेट है। वहाँ के लिए सीएचपी अलग बना हुआ है, एएचपी अलग बना हुआ है, कूलिंग टावर अलग है, चिमनी अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। इस पावर प्लांट का उस पावर प्लांट से कोई कनेक्शन नहीं है, बस कुछ ऐसे ऑफिशियल वर्क हैं जो दोनों पावर प्लांट के एक ही ऑफिस से हैंडल किए जाते हैं। अब मैं आपको आईडी फैन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये रास्ता है जो यूनिट नंबर 7 और 8 की ईएसपी को कनेक्ट करता है। इस तरफ में 8 नंबर की ईएसपी और आगे में 7 नंबर की ईएसपी। ये कंट्रोल रूम है, इस तरफ से रास्ता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ईएसपी आउटलेट साइड का। ये गेट है और ये है आईडी फैन। पावर प्लांट में ऑलवेज 3 तरह के फ़ैन लगे होते हैं, मैंने आपको बताया है, एफडी फैन, आईडी फैन, पीए फैन, और ये तीनों फ़ैन दो दो लगे होते हैं। तो ये एक हो गया आईडी फैन और वो सामने की तरफ में दूसरा वाला आईडी फैन, और दोनों साइड से डक्ट निकली हुई है। देखो ऊपर से लेके ये यहाँ आई और ये आगे जाके चिमनी में कनेक्ट हो जाती है, कम्बाइंड हो जाती है। यहाँ से निकली और इधर वाले भी सामने निकलेगी और ये कॉमन डक्ट में जाके कनेक्ट होगी। ये पूरा का पूरा कॉमन डक्ट है जो दोनों आईडी फैन से निकले हुए डक्ट को कनेक्ट करता है। ये कॉमन डक्ट है, यहाँ से निकली, इधर कनेक्ट हुई, यहाँ से निकली, इसमें कनेक्ट हुई, और ये पूरी डक्ट जो है जाके चिमनी में कनेक्ट होती है। और यही आईडी फैन का काम है, फ्लू गैसेस को बॉयलर से खींच के चिमनी के थ्रू बाहर करना। तो ये देखो ये एक आईडी फैन इधर लगा हुआ है जो इस वक्त रनिंग कंडीशन में है, और ये दूसरा वाला आईडी फैन, ये दोनों 8 नंबर बॉयलर के आईडी फैन है। और एफडी फैन किधर लगा होता है, ये ईएसपी है, ये सारे ईएसपी के हॉपर्स हैं, इसके जस्ट आगे में एफडी फैन लगा होता है, और एफडी फैन के पास में ही पीए फैन लगा होता है। ये देखो ऊपर की साइड में मेंशन किया हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, आईडी फैन पास से दिखाऊं,
आईडी फैन 8B, ये बी और वो ए, दो आईडी फैन है एक बॉयलर में, ये चिमनी है दोनों बॉयलर के बीच में, ये 7 नंबर सामने की तरफ उसकी ESP, और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो ये 7 नंबर का आईडी फैन, ये भी कनेक्ट इसी चिमनी में। अब आप यहाँ से देखो इस एंगल से, ये 8 नंबर की डक्ट कनेक्ट है इसी चिमनी में और ये 7 नंबर की, इसलिए मैंने कहा कि ये चिमनी कॉमन है दोनों यूनिट के लिए, यूनिट नंबर 7 और 8 के लिए। देखो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, अब ये देखो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी देखने के चक्कर में। 660 मेगावाट की ESP है, सॉरी चिमनी। अब देखो आप यहाँ से ये दोनों यूनिट डिवाइड हो जाते हैं, ये बीच का गैप है दो बॉयलर के बीच का, या कहें दो ESP के बीच का, ये 7 नंबर की, सॉरी 8 नंबर की ESP और ये 7 नंबर की ESP, और देखो ये सारी कन्वेयर लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मैंने आपको बताया इधर में 8 नंबर का बॉयलर का स्ट्रक्चर और ये 7 नंबर के बॉयलर का स्ट्रक्चर, और ये 12 मीटर का एलिवेशन ESP का। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 7 नंबर की ESP में एक फील्ड का काम है और 8 नंबर की ESP में 3 फील्ड का काम है, टोटल 4 फील्ड का काम है हमारा। ये देखो ये आईडी फैन है 7 नंबर का पहला वाला, आईडी फैन 7A और ये आईडी फैन 7B, ये भी रनिंग कंडीशन में है। और इधर देखो ये सारे पास डिवाइड होते हैं यहाँ से, ये दो पास के बीच का गैप है, ये पास बी, पास ए, पास सी और एंड में पास डी, और ये सारे स्ट्रक्चर हैं ESP आउटलेट के साइड में बने हुए। और एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखो ये है ट्रांसफर साइलो जो बिल्कुल इन्होंने ESP के पास में ही बना दिया, और जगह पावर प्लांट में ये काफ़ी दूर में बना होता है थोड़ा आउटसाइड में, पर ये इधर ESP के पास में ही बना हुआ है, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसमें ऐश कलेक्ट होती है ESP से निकलकर, और वो भी टन में कलेक्ट होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ये दो बने हुए हैं आई थिंक दो ESP के लिए, ये दोनों साइलो हैं, तो ESP से राख, ये जो ESP से ऐश निकलती है पाइपलाइन के थ्रू, वो इस तरह के साइलो में स्टोर होती है। इसके अलावा भी और साइलो बने होंगे इस पावर प्लांट में, मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। तो ये साइलो में ऐश कलेक्ट होती है और बाकी जो एक्स्ट्रा ऐश होती है वो ऐश डैम तक चली जाती है पाइपलाइन के थ्रू। ये होता है फंडा ऐश को बाहर निकालने का। और ये सारी पाइपलाइन है जो आप देख रहे हो, पानी की पाइपलाइन है, ये देखो कन्वेयर लाइन है यूनिट नंबर 7 की, जो मैंने आपको दिखाया किस तरह से CHP से निकल के बॉयलर तक जाती है। और ये है कंट्रोल रूम यूनिट नंबर 7 का, ESP का कंट्रोल रूम। ये सामने की तरफ आप जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सब पाइपलाइन को आगे तक ले जाने के लिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन सबों में पूरी की पूरी पानी की पाइपलाइन है, देखो कहीं से फूटा पड़ा हुआ है पाइप, डैमेज हो गया है जिससे पानी के फुहारे निकल रहे हैं, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन सबों में पाइपलाइन गई हुई है पानी की, रॉ मटेरियल सॉरी रॉ वाटर। देखो वहाँ पर डैमेज है, मैं जूम करूँ थोड़ा, देखो वहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये सामने देखो ये दो कूलिंग टावर, उस तरफ से आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, दोनों रनिंग कंडीशन में है, अंदाज़ा लगा सकते हो आप, दो बॉयलर के लिए सेपरेट ये दो कूलिंग टावर। गाइस इन सब के अलावा दो चीज़ें मिसिंग हैं इस वीडियो में, पहला है इस पावर प्लांट का रिजर्वायर सिस्टम किधर होता है, वो मैंने नहीं दिखाया इस वीडियो में, उसके अलावा दूसरा इस पावर प्लांट का स्विच यार्ड किधर है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सॉरी एक चीज़ और मिसिंग है और वो है टरबाइन, टरबाइन किधर होती है पावर प्लांट की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, टरबाइन, इस पावर प्लांट का रिजर्वायर सिस्टम, स्विच यार्ड, उसके अलावा और भी जो चीज़ें मुझे याद आएंगी वो सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, बिकॉज़ ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल अलग साइड में होती हैं, रिजर्वायर सिस्टम बिल्कुल अलग बना होता है और स्विच यार्ड भी अलग होता है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा।
सो आप चैनल से जुड़े रहो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट और वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आप अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।